हेलो दोस्तों, लिए जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक करंट अफेयर देखते हैं, तो इसको जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से अपेक्षा है कि सपोर्ट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले का लहसुन पूरे भारत में सफेद चांदी के नाम से मशहूर है? मंदसौर का। मंदसौर के लहसुन को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। प्रदेश में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे दस्तक अभियान में अच्छे कार्य के लिए किस संभाग को पुरस्कृत किया गया था? जबलपुर संभाग को। जबलपुर मध्य प्रदेश लोक शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 18 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2022 तक दस्तक अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में 0 से 5 वर्ष तक बच्चों में निमोनिया, कुपोषण, रक्तअल्पता, बाल्यकालीन दस्त रोग एवं अन्य बीमारियों की पहचान, उपचार, सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई? छिंदवाड़ा में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। किस महोत्सव को शासकीय कैलेंडर में शामिल किए जाने की घोषणा है? मोनिया महोत्सव। मोनिया महोत्सव को शासकीय कैलेंडर में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। मोनिया महोत्सव क्या है? मोनिया नृत्य महोत्सव का आयोजन अक्टूबर महीने में छतरपुर में किया जाता है। छतरपुर के बीजावर नामक स्थान पर किया जाता है। यह नृत्य बुंदेली संस्कृति को प्रदर्शित करता है। मध्य प्रदेश की गौरव लहरीबाई। लहरीबाई तो इन्होंने क्या किया है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी की 27 वर्षीय जनजाति महिला लहरीबाई हैं। श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है लहरीबाई। श्री अन्न बीज बैंक की मड़िया, सलहार, साभा, कुट्टू कुट्टू जीना, कोदो, कुटकी, रागी के साथ बाजरे के बीजों की 150 से अधिक किस्मों को संरक्षित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी सराहना की है। मध्य प्रदेश के किस जिले की लहरीबाई श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं? तो ये डिंडोरी की हैं दोस्तों, डिंडोरी की। टांट्या मामा का बलिदान दिवस कब मनाया जाएगा? तो 4 दिसंबर को मनाया गया। खंडवा की पंधाना तहसील में जन्मे टांट्या भील देश के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा जाता था। 1857 के महासमर के बाद निमाड़ मालवा क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए आतंक का पर्याय थे। टांट्या भील को 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई थी। 4 दिसंबर 1889 को जननायक टांट्या भील की प्रतिमा का अनावरण इंदौर में किया गया है। कहाँ? इंदौर में। फिर करोड़पति वाले क्वेश्चन, तो राजस्थान के अलवर में मिट्टी की बहुत पतली परत का उपयोग करने वाली मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? कागजी पॉटरी कहलाती है। तो राजस्थान का अलवर बहुत पतली मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन करने में माहिर है। इसे कागजी पॉटरी के रूप से जाना जाता है। जैक मा ये अलीबाबा कंपनी के संस्थापक थे। मणिपुर के याओ सांग उत्सव में इनमें से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है? तो इसमें दोस्तों थावल चोंगवा किया जाता है। किस संगठन का नेतृत्व? तो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। तो ये यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का कर रहे हैं। मोंट गोल्फियर ब्रदर्स किस आविष्कार के प्रारंभिक रूपों से जुड़े हैं? तो ये गर्म हवा का गुब्बारा। किस उच्च न्यायालय में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में एक स्थायी सर्किट बेंच है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्थाना कर दिया? कजाकिस्तान। तो इनको कंफ्यूजन है कि आखिर राजधानी होनी क्या चाहिए, राजधानी का नाम क्या होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय डांसर एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो इंदौर की बनी है दोस्तों। हनुमंतिया द्वीप पर जल महोत्सव के 7वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय उषा ठाकुर ने किया है। किस जिले की बाल कलाकार रिया जैन ने सबसे छोटी गोंड पेंटिंग बनाने का बड़ी कार्ड बनाया? तो ये भोपाल की है, रिया जैन भोपाल की है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जैविक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इंदौर में किया गया जैविक महोत्सव का आयोजन। मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा? कटनी में किया जाएगा राज्य स्तरीय ट्रेड फेयर का आयोजन। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किन 2 शहरों में हो पर्यटन बस से बस की शुरुआत होगी? हो तो ये इंदौर और भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी जयंती 2022 में मनाई गई? तो ये 38वीं गैस जयंती थी। 28 साल पहले 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात एक गैस संयंत्र में लगभग 45 टन खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड
लीक हो गई। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार भोपाल के इस त्रासदी में लगभग 3800 लोग मारे गए थे। इस त्रासदी को निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। ऑपरेशन फेथ हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में नो थू थू अभियान चलाया गया? इंदौर में। इस अभियान के अंतर्गत सड़क पर थूकने वालों के खिलाफ नगर निगम टीम ने चलानी कार्यवाही की है। देश के पहले सरकारी पंचक्रम सेंटर का लोकार्पण भोपाल में किया गया। फिर अनुगुंज 2022 समारोह का आयोजन भोपाल में हुआ। अनुगुंज मंच के माध्यम से देश के विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा के साथ योग कलाकार बनकर श्रेष्ठ मंच प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। यहाँ के विद्यार्थी देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। समरसता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो विदिशा के नटेरन में किया गया, विदिशा जिले के नटेरन में। फिर मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में हाल ही में टाइगर छोड़े गए? तो माधव नेशनल पार्क में। 10 मार्च 2023 को इस राष्ट्रीय उद्यान में बांधवगढ़ से एक मादा बाघ और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ को छोड़ा गया है। सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन उज्जैन में किया गया। सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन, इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में नदियों के संवर्धन संरक्षण की कार्य योजना बनाई जाएगी और नदियों को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए समग्र प्रोजेक्ट चलाया है। तो मध्य प्रदेश ने कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस राज्य को सुपोषित बनाने का लक्ष्य लेकर महिला बाल विकास विभाग आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट समग्र के क्रियान्वयन के लिए MOU साइन हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो रीवा में। हाल ही में जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री ज्योतिरानंद सिंधिया, उन्होंने इसकी घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन बनेगा करोड़पति? तो सरोजनी नायडू के एक उपन्यास में वर्णित किस पक्षी का प्रयोग कश्मीरी कवि हब्बा खातून के लिए किया जाता है? कोकिला। तो सरोजनी नायडू को मध्य प्रदेश में सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने उनकी कविता के लयबद्ध शब्दों और उनके सुरीले एवं मधुर स्वर के लिए भारत की बुलबुल, भारत की कोकिला की उपाधि प्रदान की थी। उनकी कविताओं में द ब्रोकन विंग, द वर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द विजार्ड मास्क इत्यादि शामिल है। इस समाज सुधारक को आचार्य अर्थात शिक्षक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। विनोदा भावे जी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता ब्रजभूषण लाल काबरा किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? गिटार के थे, गिटार। कौटिल्य के शब्द कोस मूलोदंड किस संस्था के लोगों को मिलते हैं? आयकर विभाग को। मेनिनजाइटिस नामक रोग मुख्य रूप से मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। फिर मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब मंजूरी मिली? तो जनवरी 2020। मध्य प्रदेश सरकार ने आधार का उपयोग बढ़ाने एवं प्रत्यक्ष लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंतरण के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का पुनर्गठन किया है? तो मुख्य सचिव को। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला सीहोर। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने वाला। फिर मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वे सामाजिक न्याय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग होगा इसका नाम। अजीज प्रेम जी विश्वविद्यालय स्थापना भोपाल में की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ लाल परेड मैदान भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कांत्या भी रेलवे स्टेशन कर दिया गया? पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर। किस शहर का तलैया फील्ड मैदान अब जुगल किशोर चू मैदान के नाम से जाना जाए? तलैया फील्ड मैदान जुगल किशोर, तो ये पन्ना में जुगल किशोर जी का मंदिर भी है, प्राणनाथ के संस्थापक रहे हैं, सभी जो प्रणामी धर्म के लोग हैं उनका एक प्रसिद्ध स्थल पन्ना में जुगल किशोर मंदिर। चलिए, आयुर्वेद पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। मध्य प्रदेश अपने नागरिकों को ई सर्विस उपलब्ध कराने के मामले में देश में चौथे स्थान पर, तो ई सर्विस में चौथे और टोटल में पहला। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले की भरारा मंदिर की पहाड़ी पर लगाया जाएगा? तो मुरैना।
मुरैना जिले की भराड़ा मंदिर की पहाड़ियों में एशिया का सबसे बड़ा 1400 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है। फिर आगे, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग मोहनिया टनल का लोकार्पण नितिन गडकरी जी ने किया। तो मोहनिया टनल के नाम से बनी यह सुरंग झांसी रांची नेशनल हाईवे 39 पर बनी है। मध्य प्रदेश में यह टनल रीवा से सीधी जिले को जोड़ती है। रीवा से सीधी इस टनल की कुल लंबाई 2280 मीटर। स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन मध्य प्रदेश में किस जिले में किया गया? तो कटनी में किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले के गांव हथनौरा में, हथनौरा सीहोर में है, चलिए आगे बढ़ते हैं, में 10 लाख साल पुराने फॉसिल्स स्थान को संरक्षित किया जाएगा? तो सीहोर। तथ्य क्या है कि सूरज कुंड से हथनौरा के बीच नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट बनेगी। यहाँ 40 साल पहले 1982 में पूरे एशिया में मानव जीवाश्म की पहली खोज हुई थी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला किसानों के दुग्ध उत्पादन कंपनी मुक्ता ने अपना ब्रांड रजिस्टर मुक्ता घी विधिवत लॉन्च किया? तो बुंदेलखंड में लॉन्च किया, बुंदेलखंड। फिर करोड़पति बनो दमोदर माउजो ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? कोंकणी भाषा में। तो प्रख्यात लेखक माउजो कोंकणी में अपनी प्रगतिशील लेखन और खासतौर पर कर्मेलिन उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया? हरभजन सिंह। आई थिंक आपसे किया गया निर्वाचित। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर किस ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को प्राइमस इन इंडस आदर्श वाक्य दिया गया था? क्योंकि यह भारत में तैनात होने वाली पहली टुकड़ी थी। तो 39वीं रेजिमेंट ऑफ फूट। किस देश में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बोल्स खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता? भारत ने जीता। फिर किसे सबसे पहले भारत की परिधि मापने के लिए जाना जाता था और जिन्हें ज्यामिति के जनक भी कहा जाता है? तो ये यूक्लिड है, यूक्लिड। फिर वाराणसी में इनमें से किस घाट का नाम वह गंगा से मिलने वाली एक नदी के नाम पर से मिलता है? तो 80 घाट, 80 घाट। फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने OSD के रूप में किसे नियुक्त किया? अंशुमान सिंह को, अंशुमान सिंह। किस जिले की प्रज्ञा एवं प्राची पाटीदार द्वारा बनाया गया गार्बेज सेपरेटर प्रोजेक्ट नीति आयोग द्वारा चयन किए गए 30 सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट में चयनित हुआ? तो प्राची और प्रज्ञा पाटीदार ये खरगोन की है। देश का पहला एवं दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम महू में बनाया जा रहा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का थाना मध्य प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो ये भोपाल में खोला गया, भोपाल। मध्य प्रदेश में कृषि मेले का आयोजन 11 से 13 नवंबर के मध्य मुरैना में होगा, मुरैना। मध्य प्रदेश की पहली दो साइबर तहसील है सीहोर और दतिया। तो साइबर तहसील बनाने से अविवादित नामांतरण के प्रकरण का तेजी से निराकरण होगा। इससे क्रेता और विक्रेता को नामांतरण के लिए तहसील आने की जरूरत नहीं होगी। सीहोर दतिया, सीहोर दतिया बहुत न्यूज में चर्चा में रहा है, आ सकता है सीहोर दतिया, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सुशासन सप्ताह की शपथ भी मनाया जाता है। तो 29 से 25 दिसंबर 2022 भारत में भी यही बनाया जाता है इसी समय। किस जिले के नवाचार अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट को देश की राजधानी में सराहना मिली? तो कटनी का है अमृत पुष्पक। तो जिले में किस क्षेत्र में उन्नत ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने एवं कृषकों को ड्रोन तकनीक के प्रयोग के अपेक्षित लाभ से जागरूक करने के लिए कटनी जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट को सलीमनाबाद तहसील के ग्राम तेवरी में स्वीट कॉर्न की फसल पर ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव कर संपूर्ण देश में अग्रणी बना। इस प्रोजेक्ट ने देश में कृषि के क्षेत्र में ड्रोन क्रांति लाने एवं कृषि को इस तकनीक से जोड़ने में सेतु की तरह कार्य किया। बिरसा मुंडा जयंती का जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जयंती पर जनजाति गौरव दिवस का मुख्य आयोजन किस जिले में किया गया? तो शहडोल में किया गया। 15 नवंबर 2022 को द्रौपदी मुर्मू शहडोल में राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस सम्मेलन में शामिल हुई, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश की संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना पुस्तिका का विमोचन किया।
इसमें संजीवनी, तो मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलिटेक्निकल भोपाल में स्थापित किया गया, संजीवनी पॉलिटेक्निकल। फिर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कालगणना के केंद्र माने गए उज्जैन के जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में लगाई गई है। यह घड़ी वैदिक काल गणना के सिद्धांतों पर स्थिर होगी। यह प्रतिदिन देश विदेश में अलग अलग समय पर होने वाले सूर्योदय को भी सिंक्रोनाइज करेगी। वैदिक घड़ी के एप्लीकेशन में विक्रम पंचांग भी समाहित रहेगा, जो सूर्योदय से सूर्यास्त की जानकारी के साथ ग्रह योग भद्रा चंद्र स्थिति नक्षत्र चौघड़िया सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्पेशल वर्ल्ड क्लास स्कूल खोला जाएगा, जिसे डेमोक्रेसी लैब भी कहा, जिसमें डेमोक्रेसी लैब भी होगा। तो स्पेशल वर्ल्ड क्लास स्कूल जिसमें डेमोक्रेसी लैब भी होगा भोपाल में खोला जाएगा। डेमोक्रेसी लैब में स्टूडेंट को सांसद विधायक और सरपंच बनने की प्रक्रिया बताई जाएगी। इसके लिए हर स्तर के जनप्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया बकायदा कोर्स में शामिल चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। देश के स्कूलों में इस तरह का पहला प्रयोग है। मध्य प्रदेश के किस जिले में देवगुराड़िया पहाड़ी पर 100 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन विकसित किया जाएगा, देव गुरार पहाड़ी इंदौर में। फिर अन्य राजा मल्होत्रा ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी, पहली महिला IAS अधिकारी थी। अन्य राजा मल्होत्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी, वे 1951 बैच की IAS अधिकारी थी। कौन सी अभिनेत्री कान फिल्म समारोह में जूरी के सदस्य रहे, दीपिका पादुकोण। ये कान फिल्म समारोह में जूरी के सदस्य रहे। इसरो का मुख्यालय के शहर में बेंगलुरु में है। टेनिस फुटबॉल रग्बी एवं क्रिकेट में से किस खेल की शुरुआत या आविष्कार यूनाइटेड किंगडम में नहीं हुआ, टेनिस का नहीं हुआ था, टेनिस खेल की शुरुआत फ्रांस में मानी जाती है। नील यंगजी अमेजन डेन्यूब में से कौन सी नदी दक्षिण अमेरिका में है, अमेजान है, नील ये तो साउथ अफ्रीका में है, यंगजी डेन्यूब तो ये यूरोप में है दोस्तों, यूरोप में है। यंगजी को थोड़ा सा पता करिए कहाँ है। OR के जनक दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत किस पदक से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से। देश की पहली ब्रेक डांस अकेडमी भोपाल में खुलेगी, ब्रेक डांस अकेडमी। किस शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए गठित BCLL को कोचीन में अर्बन मोबिलिटी अवार्ड 2022 सम्मानित किया जाएगा, भोपाल। प्रदेश के किस जिले में स्थित नवग्रह मंदिर में कॉरिडोर बनाया जाएगा, नवग्रह मंदिर यह खरगोन में। फिर सशस्त्र सीमा बल का प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा, सशस्त्र सेना बल का प्रशिक्षण केंद्र। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जिनालय भोपाल में बना है, जिनालय उज्जैन वाला नहीं, जैन लोगों का जिनालय होता है वो बना है, कहां, भोपाल में। किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया, तो मध्य प्रदेश। पेशा एक्ट यानी कि पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस स्थान में पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा की प्रतिमा का अनावरण किया, सुल्तानपुर रायसेन। सुंदरलाल पटवा 1980 और 90 में दो बार मुख्यमंत्री बनाए गए, परंतु दोनों बार राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, मोस्ट अनलकी। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय बाल मोगली उत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा, पिंच राष्ट्रीय उद्यान, बताने की जरूरत ही नहीं है। 2014 से 2018 तक इसका आयोजन अलग अलग नेशनल पार्क में किए जाने से अपनी पहचान खोता जा रहा था, लेकिन इस बार स्कूल शिक्षा विभाग ने मोगली की जन्मस्थली में पिंच नेशनल पार्क में से आयोजन कराने का फैसला लिया। महिला स्वसहायता समूह सम्मेलन का आयोजन, अच्छा ये इसमें ये पूछ ले कि हर साल क्या यही मनाया जाता है, ये फिर गलत हो जाएगा, हर साल नहीं मनाया जाता। महिला स्वसहायता समूह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल में, भोपाल। कबाड़ से बनाई गई रुद्र वीणा कहाँ बनाई गई, भोपाल, भोपाल के लोग इतने टैलेंटेड हैं कबाड़ से वीणा बना लेते हैं। खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई, मध्य प्रदेश में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदी तालाबों में एंटी
अनट्रीटेड अनट्रीटेड सीवेज छोड़ने पर मध्य प्रदेश पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? 3,000 करोड़ का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मध्य प्रदेश पर लगाए गए जुर्माने के बाद माफ कर दिया। लगाया काहे का तो? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर प्रमोद मिश्रा। देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? सिवनी में। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बनाया गया है, जिसका निर्माण NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर किया गया। यह हाईवे सिवनी जिले में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है, इसलिए साउंड प्रूफ बनाया गया इसको। मध्य प्रदेश का पहला कैटेगरी 2 लैंडिंग सिस्टम राज्य के किस एयरपोर्ट पर लगाया जाएगा? ये राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। मध्य प्रदेश के किस जिले में अजनाल का रिवर फ्रंट शरावती के रिवर फ्रंट जैसा बनाया जाएगा? ये हरदा। हरदा कौन बनेगा करोड़पति? द सोल ऑफ बटरफ्लाई और किंग ऑफ द बर्ड किस खेल दिग्गज से संबंधित पुस्तकें हैं? तो मोहम्मद अली की हैं। मोहम्मद अली पूर्व अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज थे, जिनका वास्तविक नाम कैसियल क्ले था। इन्होंने खेल इतिहास में दुनिया में सबसे महान हैवी वेट मुक्केबाजों में एक माना जाता है। फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी जी की पुस्तक है। हर वर्ष दिसंबर के महीने में तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। यहीं पर इनका मकबरा भी बनाया गया है या समाधि बनाई गई है। मोहम्मद गौस की भी समाधि यहीं पर। फिर कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग के गढ़ के रूप में प्रसिद्ध है? तो एंटवर्प बेल्जियम। क्रिकेट में किस प्रकार की क्रिकेट डिलीवरी को बम्पर भी कहा जाता है, बाउंसर को? कौन सी पाकिस्तानी पनडुब्बी को 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान डुबो दिया गया था? तो PNS गाजी। गाजी को, गाजी फिल्म भी बनी थी ना, हो सकता है उससे प्रेरित होकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। आज के उत्तर प्रदेश में स्थित कलिंजर किले में किस शासक की मृत्यु एक विस्फोट के कारण हुई थी? शेरशाह सूरी की हुई थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा भोपाल शहरी दुग्ध संघ को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ? तो A+ मिला। A+। मध्य प्रदेश के किस शहर की पुलिस ने एक मोबाइल ऐप नो योर कॉप अपने कॉप को जाने इंदौर चलाया है इसने। फिर भोपाल के किस स्टेडियम को ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो TT नगर स्टेडियम भोपाल को ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट दिया गया। तो पेशा एक्ट के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग पहले स्थान पर है? इंदौर संभाग। मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ। किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण परिवहन सेवा की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश। इस सेवा के लिए पायलट प्रोजेक्ट विदिशा जिले में प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के किन स्थलों को केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया? मितावली मंदिर, पड़ावली, पड़ावली की गढ़ी एवं बटेश्वर मंदिर समूह। इसमें तथ्य क्या है दोस्तों? स्वदेश दर्शन योजना को नए स्वरूप में स्वदेश दर्शन 2.0 में फिर से लॉन्च किया गया है। इसमें मुरैना के बटेश्वर, पड़ावली और मितावली को शामिल किया गया है। इसके तहत इन स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कार्य हर स्तर पर किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बिजली की सर्वाधिक आपूर्ति का नया रिकॉर्ड 3,027.43 लाख यूनिट की विद्युत आपूर्ति। फिर मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के आउटलुक ट्रेवलर जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये मांडू है। मध्य प्रदेश की युवा सरपंच। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में उज्जैन जिले की चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत से चुनाव जीतकर 21 वर्षीय लक्षिका डागर ने लक्षिका डागर ने मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच एक गांव की मुखिया बनी। हम लोग अभी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, ये लक्षिका डागर सरपंच बन गई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग रीवा और सीधी के मध्य बनकर तैयार हो गई। इस सुरंग की लंबाई 3.3 किलोमीटर, 3.3 किलोमीटर, 33,338 मीटर लंबी सुरंग रीवा के गोविंदगढ़ में छुहिया घाटी को काटकर बनाई गई। और ये रीवा से सीधी को जोड़ेगी। फिर किस जिले की 3 ग्राम पंचायत के बैगा समुदाय को हैबिटेट राइट्स प्रदान किए गए? तो ये मंडला, मंडला जिले की जनपद पंचायत बिछिया की 3 ग्राम पंचायत कन्हारी कला चंगरिया मेढ़ाताल के बैगा समुदाय के हैबिटेट राइट्स प्राकृतिक पर्यावास के अधिकार दे दिए गए हैं। हैबिटेट राइट्स से जल जंगल और जमीन का वास्तविक अधिकार बैगा समुदाय को दिया जा रहा है। हैबिटेट राइट मिल जाने से बैगा समुदाय वनों में अपनी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन पहले की तरह निश्चिंत होकर कर सकेंगे। फिर दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश को कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक। अच्छा था। अंतर्राष्ट्रीय मेले में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप सहित राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों उपलब्धियों सांस्कृतिक धरोहर कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। पोताला पैलेस किस शहर में है जहाँ दलाई रामा रहते थे? ये ल्यासा है। ल्यासा तिब्बत की राजधानी ल्यासा में दलाई लामा का शानदार महल पोताला पैलेस कहलाता है। ल्यासा में पोताला पैलेस को 1994 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 2022 यूएस ओपन एकल किताब जीतकर ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराजी स्पेन के हैं। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर में भी, मतलब जो नेशनल करंट अफेयर या इंटरनेशनल करंट अफेयर में जनरल करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कार्लोस अल्काराज का नाम याद रखिएगा, स्पेन के हैं। भारत में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी? चिल्का झील। ब्यूसेफला शहर का नाम सिकंदर ने किसके सम्मान में रखा था? उसके घोड़े। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक कस्बे महू का नाम बदलकर किस समाज सुधारक के नाम पर रखा गया? तो ये बी आर अम्बेडकर के नाम पर। हॉर्नबिल उत्सव मध्य प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल उत्सव। चलिए पूछ रहे तो नहीं क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमाता विजय राजे सिंधिया किस विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं युवाओं और बच्चों में जागरूकता के लगातार कार्य के लिए किस जिले की टीना सोनी को मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान 2022 सम्मानित किया गया? टीना सोनी मंदसौर की, मंदसौर टीना सोनी। किस जिले में आलू और आलू प्रसंस्करण लाइन एवं मिलेट आधारित कुकीज लाइन की स्थापना की जा रही है? ग्वालियर में की जा रही है। चलिए मध्य प्रदेश के किस जिले में विनीत शर्मा ने रूबरू मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है? तो ये अशोकनगर के हैं। विनीत शर्मा रूबरू मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर हरि सिंह गौर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 152वीं। जी समिट के लिए चुने गए 56 शहरों के लोगों को मध्य प्रदेश के किस संस्थान ने ट्रेनिंग दी? IIT IITM ग्वालियर। बस 2023 में देश में होने जा रही G20 समिट के लिए चुने गए 56 G20 समिट डेस्टिनेशन शहर के लोगों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट IITTM ग्वालियर ट्रेनिंग देगा। यह जिम्मेदारी भारत सरकार ने संस्थान को सौंपी है। मध्य प्रदेश के वन्य जीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व नरसिंहपुर दमोह सागर जिलों में विकसित किया जाएगा। इसका कोर एरिया लगभग 1414 स्क्वायर किलोमीटर होगा। बफर क्षेत्र लगभग 925 स्क्वायर किलोमीटर होगा। 925 को अनुसूचित करने की मंजूरी दी है। पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा ताकि बाघों के नए रिजर्व में प्राकृतिक आवाजाही हो सके। हाल ही में दत्तोपंत ढेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला 2022 का आयोजन भोपाल में किया गया। दत्तोपंत ढेंगड़ी भारत के राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारत मजदूर संघ स्वदेशी जागरण मंच भारतीय किसान संघ के संस्थापक थे। दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज DICCI के मेगा
एससी एसटी बिजनेस कॉन्क्लेव एवं एक्सपो का आयोजन भोपाल में किया गया। तो मध्य प्रदेश के किस जिले की बरसा डोंगरे मिस डेफ एशिया बनी। बरसा डोंगरे ये इंदौर की है दोस्तों, इंदौर की। भोपाल की ईशानी पलांदू पलांदू पलांदुरकर भोपाल की ईशानी पलांदुरकर ने पूरा किया अंटार्कटिका अभियान। तो यूएसए में मास्टर इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की छात्रा ईशानी ने अंटार्कटिका में 15 से 18 डिग्री तापमान में तेज हवा और बर्फीली बर्फबारी के बीच -15 के बीच जलवायु परिवर्तन, ओशियन पैटर्न, पेरिबन आदि के बारे में रिसर्च और ट्रेनिंग की। ऐसा करने वाली वे मध्य प्रदेश की अकेली महिला हैं। ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट स्वान के नेतृत्व में 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिक अभियान के तहत 39 देशों के 150 से अधिक लोग 12 दिन की यात्रा पर अंटार्कटिका पहुंचे थे। इसमें 18 भारतीय भी शामिल थे। मध्य प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट किस जिले में शुरू किया जाएगा? इथेनॉल प्लांट बालाघाट में, औद्योगिक क्षेत्र खापा। तो इथेनॉल प्लांट में गन्ना, मक्का, सूखे चावल और किसी भी खाद्यान्न के बचे हुए कचरे का उपयोग किया जाता है। इसमें इससे प्रोड्यूस होने वाले जैविक ईंधन इथेनॉल को पेट्रोलियम और डीजल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कितने वर्ष पुरानी 26 गुफाएं मिली हैं? 2000 वर्ष। बांधवगढ़ के जंगलों में 2000 साल से भी अधिक पुरानी गुफाएं मिली हैं, जिन्हें इंसानों ने चट्टानों को काटकर बनाया था। इनमें से कुछ गुफाएं महायान बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं और इन गुफाओं के अंदर 24 अभिलेख ब्राह्मी और अन्य अज्ञात भाषाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें मथुरा और कौशाम्बी का जिक्र किया गया। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सांसद मनोनीत किए जाते हैं? 12। संविधान के अनुच्छेद 18 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और उनके संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। किस शहर की प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? कोपेनहेगन। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था? तो अफगानिस्तान। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन कौन से राजनीतिक नेता की जीवनी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? जेपी। आपको किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा? तो कोलकाता में मिलेगा। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारतीय मुद्रा नोट की कौन सी विशेषता? उभरी हुई टेंगलियो, ई टेंगलियो, टेंगलियो या उभरी हुई पेंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के किस जिले के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नरेश अग्रवाल ने भारत बांग्लादेश के मैत्री दिवस का लोगो डिजाइन किया? तो ये छतरपुर के हैं नरेश अग्रवाल। फिर मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन से संबंधित दुर्लभ अभिलेखों एवं छायाचित्रों के प्रदर्शनी का आयोजन भोपाल में किया गया। इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को किस आयोग का अध्यक्ष अंशकालिक नियुक्त किया गया है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला विक्टिम फ्रेंडली महिला थाना भोपाल में खुलेगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में 79वीं नेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर की शुरुआत हुई? तो इंदौर में हुई। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मध्य प्रदेश में पहली बार गैस आधारित पावर स्टेशन GIS कहाँ तैयार किया? इंदौर में। तथ्य क्या है कि GIS के निर्माण में परंपरागत एयर इंसुलेटर सब स्टेशनों के मुकाबले कम जमीन की जरूरत होती है, हालांकि इसकी लागत परंपरागत सब स्टेशन की तुलना में काफी अधिक आती है। गैस इंसुलेटर चैम्बर में रहने के कारण सब स्टेशनों के उपकरणों में कम खराबी आती है। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में इसे मेंटेनेंस फ्री सब स्टेशन भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में डिनोटिफाइड किस अभयारण्य को डिनोटिफाइड किया गया? करेरा अभयारण्य। तो शिवपुरी के सोन चिड़िया करेरा अभयारण्य को डिनोटिफाई कर दिया गया है। करेरा में सोन चिड़िया की मौजूदगी का पता चलने पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1927 के तहत 1981 में इस अभयारण्य की स्थापना की गई थी। 1994 के बाद यहाँ फिर कभी सोन चिड़िया दिखाई नहीं दी, तो इसलिए इसको डिनोटिफाई कर दिया गया है। सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला संस्थान MIT
एमआईटीएस ग्वालियर बना, एमआईटीएस ग्वालियर। मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का शुभारंभ कटनी के सलीमाबाद से हुआ। तथ्य क्या है कि शिवराज सिंह चौहान ने 7 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सलीमाबाद में मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 6414 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीते के बाद किस जानवर को मध्य प्रदेश में लाकर बसाए जाने की योजना है? जिराफ और जेब्रा को। तो इस योजना के लिए वन विहार नेशनल पार्क और जू को चुना गया है। जिराफ और जेब्रा के रहनवास और भोजन के संबंध में फिजिबिलिटी सर्वे किया गया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एशिया का सबसे बड़ा एटमोस्फेरिक रिसर्च सेंटर सीलखेड़ा भोपाल में बनाया जा रहा है। तथ्य क्या है कि इस रिसर्च सेंटर की मदद से 300 किलोमीटर दूर मौसमी सिस्टम किस रास्ते आएगा, बादल कहाँ से आएंगे, कहाँ ओले गिरेंगे और कहाँ कितना पानी बरसेगा, यह सब पहले ही मालूम हो जाएगा। इस रिसर्च सेंटर में फिनलैंड से इंपोर्ट कर अत्याधुनिक तकनीक सीबेड, डबल सोलर मैट्रिक रडार और केओ बैंड रडार लगाए गए हैं। वैज्ञानिक इस रडार के जरिए यही बता देंगे कि यह मानसूनी सिस्टम कहाँ मौजूद है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे इसका हेडक्वार्टर होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश की पहली हैप्पी शॉप के शहर में खोली गई है, तो भोपाल में हैप्पी शॉप। किस भावी नोबल विजेता ने 1980 में बच्चों के अधिकारों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था? कैलाश सत्यार्थी। ये कहाँ के थे दोस्तों? विदिशा से थे। बचपन बचाओ आंदोलन बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहा एक भारत आधारित आंदोलन है। यह नोबल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा 1980 में शुरू किया गया था। कौन परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख हैं? नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष होते हैं। कौन सा आधुनिक शहर प्राचीन पाटलिपुत्र के स्थल पर स्थित है? पटना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड के प्रशासनिक मामले किस मंत्रालय के दायरे में आते हैं? वित्त मंत्रालय। अरुणाचल प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था? ये पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, तो ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 24 नवंबर को कौन सा देश शिक्षक दिवस मनाता है? जिस दिन देश के संस्थापक ने प्रधान शिक्षक की उपाधि स्वीकार की थी? तुर्की। फिर 5 से 11 दिसंबर 2022 का 22 तक आयोजित 8वीं खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ धीरेन्द्र शास्त्री ने किया, तो बागेश्वर बाबा यहाँ भी पहुंच गए हैं। चलिए, किसान क्रेडिट कार्ड के एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण पद्धति के लिए किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है? हरदा। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर किस राष्ट्रीय उद्यान द्वारा बटर फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो देश का पहला संविधान पार्क मध्य प्रदेश के देवास जिले में लगाया जा रहा है, बनाया गया। मध्य प्रदेश में रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किस अवधि में किया गया? तो रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच किया गया। ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य बना है जिसने शहरों में वायु प्रदूषण के स्थायी समाधान और पर्यावरण सुधार के लिए ग्रीन सिटी इंडेक्स हरित सूचकांक की शुरुआत की है। ग्रीन सिटी इंडेक्स 100 अंकों का होगा जिसमें सर्वाधिक अंक सिटी पार्क और वायु गुणवत्ता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में यह लागू होगा। इफको और राज्य प्रदूषण नियामक बोर्ड संयुक्त रूप से सभी विभागों की प्रोग्रेस रिपोर्ट का सत्यापन करेंगे, जिसके बाद वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद हर साल अप्रैल माह में ग्रीन सिटी रैंकिंग जारी की जाएगी। वही चला। मध्य प्रदेश का दूसरा पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दतिया में बनाया जा रहा है। वर्तमान में पुलिस का मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ रीवा में दतिया में बनाया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश के किस शहर में न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड कोच बनाए जाएंगे? ये भोपाल में बनाए जाएंगे। देश में पहली बार भोपाल स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री में अब न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड कोच बनाए जाएंगे। इस कोच की विशेषता यह होगी कि इसमें वाहनों का परिवहन हो सकेगा। कोच की डिजाइन इस तरह से है कि इसकी मल्टीपर्पज इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। फिर किस राज्य में स्थित संगाई महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया? तो ये मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है। मणिपुर
और मध्य प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भागीदारी राज्य है। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। संगई महोत्सव का विषय एकता का त्योहार। संगई मणिपुर का राजकीय पशु भी है। संगई एंटीलोप डियर। संगई मध्य प्रदेश के किन दो जिलों में मानसिक स्वास्थ्य टेली काउंसलिंग केंद्र खोले जाएंगे? तो इंदौर और ग्वालियर में मानसिक स्वास्थ्य टेली काउंसलिंग। इंदौर और ग्वालियर में बनने वाले टेली काउंसलिंग केंद्र में हर दिन 24 घंटे दी जाएगी सलाह। केंद्र में जरूरत पर मनोचिकित्सा से भी मरीज व उनके स्वजन की बात कराई जाएगी। नए एयरपोर्ट टर्मिनल का शुभारंभ ग्वालियर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय धम्म दान समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में भोपाल में किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म दान समारोह बुद्ध दान समारोह का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षुक एवं भिक्षुकाएं आई थी एवं अनुयायी आए। तो इसमें इंग्लैंड के पहले राजकवि जॉन ड्राइडन ने 1675 में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान ही उनके नाम पर एक नाटक लिखा था? औरंगजेब जॉन ड्राइडन द्वारा लिखित एक बहाल नाटक है जिसे 1675 में लिखा गया था। भारत के प्रधानमंत्री जो 1952 में बंबई राज्य के मुख्यमंत्री बने मोरारजी देसाई। सितंबर 2022 में एक घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीप रेस आयोजित करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। दोनेस्क, लुहांस्क, खेरसान एवं लिवीव में कौन सा क्षेत्र यूक्रेन के उन चार क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया? तो लिवीव नहीं है दोस्तों, लिवीव। फिर 2022 सीजन में लगातार दूसरा किताब जीतकर फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन कौन बना? मैक्स वर्स्टापेन बने हैं, मैक्स वर्स्टापेन। 1950 में किस संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग। स्टील एक्सप्रेस कोलकाता को किस शहर से जोड़ने वाली ट्रेन है? जमशेदपुर से जोड़ती है स्टील एक्सप्रेस कोलकाता को। फिर सर्वाधिक रक्तदान के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त मिला? तो पहला स्थान मिला मध्य प्रदेश शासन द्वारा। हस्तकार महाशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एमपी क्राफ्ट्स आर्ट फ्रॉम द हार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया। किस जिले की अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये सीहोर की है दोस्तों, सीहोर की। चलिए, भोपाल का पहला शहर जिसके दो स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इट राइट स्टेशन दर्जा मिला है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन एवं भोपाल स्टेशन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रथम संघ संचालक डॉक्टर हेडगेवार का संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? ये बालाघाट रामपायली में बनाया जाएगा। तो रामपायली डॉक्टर हेडगेवार की कर्मभूमि रही है। वो कलकत्ता में MBBS करने के बाद और RSS की स्थापना के पूर्व एक लंबे कालखंड में यहाँ रहकर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न गतिविधियां संचालित करते रहे। किस शहर के युवा वैज्ञानिक ओम द्विवेदी को कैलिफोर्निया में बन रही विश्व की सबसे बड़ी वेधशाला कॉस्मिक एक्सप्लोरर में काम करने का मौका मिला? तो इंदौर के हैं। ओम द्विवेदी वर्तमान में अहमदाबाद में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पेस एंड कॉस्मोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं। कॉस्मोलॉजी एक्सप्लोरर द्वारा चुने गए विश्व के 300 श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के समूह में ओम सबसे युवा है। देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये उज्जैन में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि उज्जैन नगर में देश के पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। देश की आजादी की लड़ाई में वैज्ञानिकों के योगदान को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा वैज्ञानिकों की कहानियां अन्वेषण आविष्कारों से जनमानस को अवगत कराने के लिए प्रदेश का पहला स्मारक और जन संग्रहालय उज्जैन के तारा मंडल में बनाने की योजना है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय श्री राम लीला उत्सव का आयोजन 16 से 22 अक्टूबर के मध्य कहाँ किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी वेटरनरी
अस्पताल किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा? तो ये कोन्हो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा। अमृत सरोवर के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बुरहानपुर है। अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया? पन्ना में किया गया, पन्ना। राज्य के किस शहर में उमा झांसी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? उज्जैन में। महाकाल मंदिर में प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण एकादशा से अमावस्या तक 5 दिन उमा झांसी उत्सव मनाया जाता है। अश्विन शुक्ल तृतीया पर साल में एक बार उमा माता को सवारी निकालते हैं। माना माता पार्वती रजत पालकी में सवार होकर मोक्ष दायिनी चिप्रा के तट पर संजी विसर्जन करने जाती है। पेरिस में मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा भारतीय दूतावास पेरिस के सहयोग से 23 सितंबर को मध्य प्रदेश दिवस एमपी डे मनाया गया। टूरिज्म बोर्ड ने एक रोड शो आयोजित किया जिसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो भारत की हरित क्रांति में अपने योगदान के लिए किसे सबसे पहले विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया? एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1987 में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर 1997 में लॉन्च किए गए STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल मिशन का पर सवार मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला जी थी। 2002 में IIT रुड़की में स्थापित किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया? तो परम गंगा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था का जुलाई 2022 में निधन हो गया? इवाना पहली पत्नी थी दोस्तों, मुझे लगा इवांका ट्रंप की बात हो रही, ये डोनाल्ड ट्रंप है। नफ्तली बेनेट की जगह लेते हुए याइर लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? याइर लैपिड ये इजराइल के बने हैं, उनके बाद फिर से वो बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। विद्यासागर सेतु जिसे दूसरा हुगली पुल भी कहा जाता है किस आपको किस शहर में मिलेगा? तो ये कोलकाता में मिलेगा विद्यासागर सेतु। मध्य प्रदेश का पहला फास्ट टैग आधारित पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम किस जिले में लॉन्च किया गया? तो इंदौर में। मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ग्वालियर में आयोजित की गई थी। किस जिले के देवेंद्र मालवीय को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो देवेंद्र मालवीय इंदौर के हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब दो लेक्चर और आएंगे और इसके बाद ही मध्य प्रदेश का करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा और उधर बचा हुआ है तो उसको एक एक लेक्चर में समाप्त कर देंगे। पीछे का जो है जिसमें मध्य प्रदेश के जो उसमें मध्य प्रदेश की योजनाएं बचा हुआ है और मध्य प्रदेश का जो अभियान थे वो बचे हुए हैं मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट बनाइए जिससे कि आगे भी और महत्वपूर्ण चीज़ें आती रहें। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।